अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एसे माय लास्ट ईयर एट स्कूल. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू राइट एन आइडियल एसे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न. अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न आर एसे शुड बी कंसिस्ट ऑन थ्री पैराग्राफ्स. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, द सेकेंड इज बॉडी पैराग्राफ विच इज डिटेल्ड पैराग्राफ्स, एंड द लास्ट वन इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ. इन द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज कॉल्ड introductory paragraph, we should have to given a general introduction of that topic which is provided by the examiner. यानी कि जो examiner ने हमें topic दिया है उसका हमें general introduction देना है first वाला paragraph में, जिसको हम introduction का introductory paragraph का नाम देते हैं. कोई भी topic है, let's suppose our topic is my last day at school, so it is relevant to the memories. माई लास्ट डे एट स्कूल में हम इंट्रोडक्शन में मेमोरीज की बात करेंगे. एवरी मैन हैज सम गुड एंड बैड मेमोरीज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज हर ऑन लाइफ. हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छी या कुछ बुरी यादें होती हैं जो हमारी जिंदगियों का बहुत अहम हिस्सा होती हैं. आई हैव रिटन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. नो लेट्स डिस्कस. इंट्रोडक्शन की मैंने आपको बात बता दी कि आप बात करेंगे मेमोरीज़ की फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छी और बुरी यादें होती हैं. आप अपनी फिर मेमोरीज़, क्योंकि यहाँ बात आप ये जो ऐसे है एज लाइक एन नरेशन है, यानी कि इसमें आप अपनी स्टोरी सुनाएंगे, अपने लास्ट डेट स्कूल की बात करेंगे कि आपके स्कूल का आखिरी दिन जो है कैसे गुजरा, या आने वाले टाइम में वो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपका जो माय लास्ट डेट स्कूल है वो कैसा होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जो है इसमें राइटर जो है बात करें मेमोरीज़ के बारे में, बताता है कि उसका जो आखिरी दिन होता है स्कूल के अंदर वो बहुत यादगार है. आज भी जब उसे वो याद आता है तो उसके चेहरे पर हमेशा जो है वो एक हसीन सी स्माइल छोड़ देता है. फिर उसके अलावा वो इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला डे होता है हमारे स्कूल के अंदर, वो हमेशा जो है हो सकता है कि उसमें कुछ नर्वसनेस हो, फियर्स हो, क्योंकि जब ये इंसान की नेचर में चीज़ है ना, जब वो नई जगह पे जाता है तो उसे नई जगह को या कोई नया काम सीखता है, कुछ कोई भी हम नई एक्टिविटी करते हैं तो उसको सीखने में समझने में हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है. तो कहता है कि जो माई लास्ट डे एट स्कूल था वो माइट बी पॉसिबल कि हम सबका ऐसा हो कि वहाँ फियर और नर्वसनेस हो, लेकिन जो लास्ट डे एट स्कूल होता है, यानी कि हमारे स्कूल का जो आखिरी दिन होता है, उसमें हमेशा कॉन्फिडेंस, हम एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन जो है, एज अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट जो है, वहाँ से स्कूल से हमारा लास्ट डेट स्कूल यानी कि आखिरी दिन होता है जो हमारे स्कूल का, उस दिन हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ हो, जब आपने बात की मेमोरीज़ की, शेयर किया कि आपका स्कूल का पहला दिन कैसा था, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छी यादें हैं या बुरी यादें हैं, तो फिर आप बात करेंगे उस बॉडी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आप बॉडी पैराग्राफ में आ जाएंगे. तो वहाँ आप बात करेंगे, यानी आप डिटेल के साथ वो सारा इंसिडेंट जो है हम उसको रिवाइज करेंगे कि मेरा स्कूल का आखिरी दिन जो है इस तरह गुजरा. जैसे यूजुअली यही होता है ना कि जब किसी क्लास का जो आखिरी डे होता है स्कूल के अंदर, तो जो उन सीनियर्स के जूनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए एक फेयरवेल अरेंज करते हैं. ठीक है, ऑनर के बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने फेयरवेल लिखा है, मीन्स के नाइन्थ क्लास हैज़ अरेंज अ फेयरवेल पार्टी इन आर ऑनर, कि हमारे ऑनर में फेयरवेल पार्टी अरेंज की थी. और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में, यानी कि आप सारी डिटेल बयान करेंगे कि आपका आखिरी दिन कैसा गुजरा, उस दिन स्कूल के अंदर जो वर ग्रेट हसल एंड बसल, बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, और वी वर फ्री फ्रॉम स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल के डिसिप्लिन से हम नज़्म व ज़ब्त से बिल्कुल आज़ाद थे, यानी कि आम दिनों से बिल्कुल हट के था वो दिन. के आम दिनों में आपको पता है कि हम सब यूनिफॉर्म, आप सब यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं, और अपना हर एक पीरियड, मतलब टाइमिंग होती है ना, टाइम ड्यूरेशन होता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना पीरियड पढ़ते हैं, और एक सीक्वेंस होता है, टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सारा दिन स्कूल में गुजरता है. कहता है लेकिन जो माय लास्ट ईयर स्कूल था, स्कूल में मेरा जो आखिरी दिन था, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई यूनिफॉर्म नहीं था, हम सब जो हैं अपनी मर्जी से सारे स्कूल में घूम रहे थे, कोई हमें आवाज़ देने वाला नहीं था, कोई हमें ये कहने वाला नहीं था कि आपकी क्लास का टाइम है, आप बाहर ग्राउंड में क्या कर रहे हैं.
यानी कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक हमने वो दिन गुजारा, इसलिए वो हमें हमेशा याद रहता है। हम हमारे लिए हमारे जो जूनियर्स होते हैं कुछ टैबलो स्पीचेस वगैरह रेडी करते हैं, और हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें स्पेशल फील करवाने के लिए, तो वो चीज़ जो होती है हमें हमेशा याद रहती है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप लोग साथ साथ जो है वो ऐड करेंगे कोटेशंस भी, यानी कि 3 to 4 कोटेशंस मस्ट आपके ऐसे के अंदर होने चाहिए। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके कोटेशंस जो हैं वो रिलेटेड टू द टॉपिक होने चाहिए, कोई अननेसेसरी बात नहीं आप लोग उसके अंदर करेंगे, और ना ही पैराग्राफ के अंदर आपने, जो कि अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, आप लोग बयान करने बैठ जाते हैं कोटेशंस को डिस्क्राइब करना, ऐसा कुछ नहीं आप लोगों ने करना। बस आपने जो पैराग्राफ के अंदर बात की है उसी से रेलिवेंट आपको अगर कोई कोटेशन आती है तो आप लोगों ने उसके अंदर ऐड कर देनी है ब्लैक के साथ। अगर आप ब्लैक मार्कर के साथ लिख रहे हैं कोटेशन को तो ब्लू के साथ अंडरलाइन करें, और अगर ब्लू के साथ लिख रहे हैं तो ब्लैक के साथ अंडरलाइन करें, यानी कि आपने उसको हाईलाइट मस्ट करना है। फिर उसके बाद जो है, यानी कि 3 to 4 कोटेशंस हम ऐसे राइटिंग के अंदर ऐड करेंगे, और नेक्स्ट इसमें अभी मैंने 2 कोटेशंस बोर्ड के अंदर, बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, अभी मज़ीद कोटेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी डिटेल के साथ हम जब रीडिंग करेंगे ऐसे की। अभी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा, इन पॉइंट्स को माइंड में रख के तो आप लोग कंप्लीट करिएगा अपना ऐसे। फिर जहाँ भी आप लोगों को किसी किस्म का इशू और प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस विद मी। अच्छा, तो फर्स्ट वाला जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसमें हमने ये ऐड कर दी कोटेशन, मेमोरी इज़ द ट्रेजरी एंड गार्डियंस ऑफ ऑल द थिंग्स, यानी कि यादें जो होती हैं खजाना हैं, हमारे जो अच्छी यादें होती हैं हमेशा एक कीमती खजाने की तरह हमारे साथ रहती हैं, और रहनुमाई इस सेंस में कह रहा है कि जो कुछ हमने बैड एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं उनसे जब हम सीखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम आने वाली जिंदगी में वो गलतियाँ ना दोहराएं। फिर यहाँ तक हमने हसल एंड बसल तक डिस्कस किया था पॉइंट्स हो के, जो है हम लोग फ्री फ्रॉम स्कूल डिसिप्लिन होते हैं, इसलिए वो चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें याद रह जाती हैं। फिर हमारे जूनियर्स हमारे लिए स्पीचेस रेडी करते हैं हमें स्पेशल फील कराने के लिए, एंटरटेनमेंट, और फिर उसके अलावा रिफ्रेशमेंट होती है जिसमें आप लोग शेयर करेंगे कि आपके आखिरी दिन, स्कूल के आखिरी दिन में क्या क्या जो था आप लोगों के रिफ्रेशमेंट में रखा गया। फिर उसके अलावा और क्या होता है कि जो स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस होते हैं वो उस दिन आपके साथ आपको आपके लिए नेक ख्वाहिशात या तमन्नात का जो है वो क्या करते हैं कि आपके लिए वो आपको विशेस देते हैं कि आने वाली ज़िंदगी के लिए जो है वो हम एक ऑनर या एक टीचर हमेशा ही अपने स्टूडेंट के लिए विश रखता है कि उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो सक्सेसफुल हो, यानी कि उनका स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ के जाता है, टीचर की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि वो उसके लिए हमेशा ज़िंदगी में वो हमेशा कामयाब हो और अच्छी ज़िंदगी गुजारे, इसलिए उनके लिए जो है वो दुआएं करते हैं उस दिन और उनके लिए जो है उनको गुड विशेस देते हैं। और फिर वो कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है स्टेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उस दिन हमने फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया कि हमारे कंधों के ऊपर भी बहुत बड़ा जो है ना हम लोग भी एक अहमियत रखते हैं माशरे के अंदर, हमें भी हमारे कंधों पर भी जिम्मेदारियाँ हैं, हम इस माशरे को चलाने के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग इसके अंदर लिखेंगे, और फिर जो लास्ट वाला पैराग्राफ जैसे बॉडी पैराग्राफ्स में डिटेल बयान करेंगे ना आप लोग, जो भी माय लास्ट ईयर एट स्कूल में आपके साथ हुआ, जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप लोग सजेशन सॉल्यूशंस मैंने आपको कहा था कि हमारी होती हैं उसके अंदर, और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा उसमें आप लोग बताएंगे कि आज यानी कि आपने वहाँ से स्कूल से जाते हुए कैसा फील किया, और जैसे क्राइंग साइलेंटली मैंने लिखा है कि आप लोग जो है आपकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी या नम थी, आप उस जगह को छोड़ के जाना नहीं थे चाहते, या आप लोग फील आज आपको फील हो रहा था कि ये जगह हमारे लिए कितनी स्पेशल है। यानी कि जब हम लोग स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, जो हमारा फर्स्ट डे एट स्कूल होता है, उसमें फियर और नर्वसनेस होता है, उस दिन भी शायद हम रो रहे होते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, लेकिन जिस दिन हम स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं उस दिन भी हमारी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं, वो ऑनर के आंसू होते हैं, हम उसमें जो है वो स्पेशल फील कर रहे होते हैं कि वाकई जो है हमने एक अपनी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा यहाँ गुजारा और आज हम अच्छी यादों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। एक और कोटेशन मैंने यहाँ लिखी है, सनसेट्स आर प्रूफ दैट एंडिंग कैन बी ब्यूटीफुल, कहता है कि सूरज का जो गुरूब हो जाना होता है वो इस बात का सबूत होता है कि जो इख्तिताम है या एंडिंग है वो भी खूबसूरत हो सकती है। देखिए ना, आप स्कूल से जा रहे हैं तो एक तरफ तो आप के दिल में जो है वो कुछ
कुछ जो है चीज़ें हैं कि हम स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, हम शायद दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते, उस तरह मिल बैठ नहीं सकते, यह उस तरह यादें इकट्ठी नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ आपके सामने एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए आपकी एंडिंग जो है स्कूल से वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो इस तरह इसी इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आपने अपने ऐसे राइटिंग को कम्प्लीट करना है। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।